हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हिस्ट्री डांस हम लोग कोरियोग्राफ कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? और अगर किसी को भी कोई डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहे आप। और जिसको समझ में आता है वो भी एक बार मुझे बताते चलो, जिससे मुझे ये पता चले कि आपको मेरा सिखाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर मैं अपना पैटर्न चेंज करूँ सिखाने का। बहुत सारे पैटर्न पे लोग सिखाते हैं, मैं इस पैटर्न पे सिखा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं सिखाने का तरीका चेंज करूँगा। इसलिए बिना हिचक के कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो आज अभी तक कल तक हम लिरिक्स कर रहे थे, तो अभी जितना भी हमने किया है एक बार हम लोग काउंट पे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आप भी मेरे साथ करिए, मेरे काउंट पे मैं भी करता हूँ साथ में। ओके, 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 यहां तक हुआ। इसके बाद लेग ज्वाइन करना था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बाद हमारा हाथ चेंज हो रहा था। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 यहां तक समझ में आया। इसके बाद 1 2 और 3 4 इसके बाद हमारा कल वाला पैटर्न था, लेग क्रॉस किए, राउंड राइट लेफ्ट, फिर ये हाथ सामने रख रहे होंगे, 1 2 3 घुमाया, 1 2 3 4 क्रॉस क्रॉस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक विसल। तो अभी जितना भी हमने काउंट में देखा एक बार उसको हम लोग म्यूजिक पे साथ में करेंगे। मैं भी आपके साथ थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, जिससे आपको ये समझ में आए कि कौन से म्यूजिक पे कौन से बीट्स आने हैं। तो एक बार आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए, मैं भी करता हूँ। म्यूजिक पे भी, काउंट पे भी, जिनको नहीं आया होगा समझ में, अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से कमेंट करना, फिर अगले वीडियो में लास्ट, इसके बाद वाला जो अगला सेशन हमारा होगा उसमें एक लास्ट वीडियो और इसका बचा हुआ है, उसके बाद ये गाना एंड हो जाएगा। तो अब अभी इसके आगे जहाँ हम लोगों का लास्ट में ये विसल पे हाफ सेमी सर्कल खत्म हो रहा था, जहाँ हम लोग ये सेमी सर्कल ले रहे थे हाफ में, उसके बाद अब मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है? लास्ट स्टेप था हमारा, ये राउंड था, इसके बाद दो बीट्स आ रहे हैं, 1 2 जो हम लोग ये करते थे इस बीट पे ठनक ठनक, वैसे ही सेम बीट अब इसके आगे आने वाला है विसल बजने के बाद ठनक ठनक। तो पहले वाले बीट पे हमें क्या करना है, दोनों लेग को, ये हमारा राइट लेग है, ये हमारा लेफ्ट लेग है, दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। वैसे देखेंगे 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 राइट लेफ्ट दोनों एक साथ हमें स्लाइड करके लेग ज्वाइन करना है, 5 6 7 स्टार्ट, 1 एक बीट पे ले आए हम, फिर से 5 6 7 स्टार्ट, 1। अब 2 वाले बीट पे क्या करना है हमें, ये राइट हैंड है हमारा, राइट हैंड उठाना है, घुमाना है और सिर पे रखना है साइड से, 1 2 1 2 1 2 फिर से देखिए, 1 2 3 4 फिर से करेंगे, 5 6 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 अब जब हम लोग 3 4 कर रहे होंगे तो 4 के साथ हमारा लेफ्ट हैंड
सामने आ जाएगा। देख सकते हैं आप 3 4, बस इसको यहां से उठा के सामने रख लेना है, ये हाथ आपका सीधा हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा। फिर से करते हैं, यहां तक कहूं पे ये विसर बजा, उसके बाद 1 2 3 4, ये हमारा विसल बजा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्ट, विसल बजा 1 2 3 4, यहां तक समझ में आया आपको? एक बार इसलिए मैं म्यूजिक पे आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो ये हमारा बीट था, ये पीछे आए हम लोग, कितने काउंट में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 में लाइट जंप करके हमें पैर खोलना है, फिर विसल बज रहा है हमारा, फिर लेग जॉइंट 2 1 2, याद है, समझ में आया आपको? इसके बाद क्या करना है, ये हमारा लेग जॉइंट है, ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर है, ये हमारा राइट कॉर्नर है, तो अपनी बॉडी, मेरी बॉडी इस टाइम या आपकी बॉडी इस टाइम लेफ्ट कॉर्नर में के पोजीशन में है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 जब करेंगे, अभी हम लोग सामने हैं, जब 1 करेंगे तो हल्का सा बॉडी हमारा लेफ्ट साइड में घूम जाएगा, उसके बाद 2 में ये हाथ हम रख रहे हैं, ये हमारा राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड बाहर, इसके बाद हमें पैर से सिर्फ स्लाइड करना है, 1 वापस 2 वापस, ध्यान से देखिएगा, 1 वापस 2 वापस, तो हमें 1 पे फोर्स देना है, 2 में बस पैर वापस अपने जगह पे रखना है, फिर 3 में फोर्स देना है, 4 में वापस रखना है, 1 2 3 4, समझ में आया, 1 2 3 4, आप ये स्टेप देख चुके होंगे पहले, लावणी में भी यूज होता है ये सब स्टेप, तो हम यहां पे कर रहे हैं लेग जॉइन कर रहे हैं, 1 2 1 2, अब 1 2 में हमें दोनों हाथ को, ये हमारा एल्बो और ये हमारा पाम, इसको हमें आगे लेके जाना है, वापस लाना है, आगे ले जाना है, वापस लाना है, 2 बार होगा, फिर से करेंगे 5 6 7 स्टार्ट, ये राउंड की है विसर पे, 1 2 1 2 3 4, यहां तक समझ में आया? इसके बाद राइट लेग हमारा ये है, राइट लेग को हमें बाहर निकालना है राइट साइड में, फिर से आप देखेंगे ये हमारा राइट लेग है, राइट लेग को राइट साइड में बाहर निकालेंगे और बॉडी को बैंड करते हुए चांद के शेप में हमें ऊपर लेके आना है, नीचे जाके ऊपर लेके आना है, 1 2, यहां से स्टार्ट होगा, ऊपर ऊपर से नीचे फिर ऊपर, यहां पे हम 1 2, फिर से देखेंगे 1 2, अब हमारा जो बॉडी का पोजीशन होगा वो राइट कॉर्नर पे होगा, ठीक है, तो एक बार हम यहां से देखते हैं, ये हमारा रिजल्ट वाला पार्ट है, लेग ज्वाइन हुआ, 1 2 3 4, यहां करने के बाद हाथ को भी हम छोड़ते हैं, 1 2 3 4, इसके बाद सेम यही स्टेप हमें 1 2 पॉज करके 3 4 5 6 पे करना है, यहां आने के बाद 1 2 पे हम लोग रुकते हैं, फिर 3 4 में हमारे हाथ का स्टेप होगा जिसको हमने अभी नहीं करना, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे, 5 6 7 8 में क्या करना है, 5 6 7 8, मतलब एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार राइट कॉर्नर में, 5 6 7 8 में सामने के साइड, 7 8, याद है, समझ में आया आपको? एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, ये विसल वाला पार्ट है हमारा, इसके बाद 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 छोड़ेंगे, इसके बाद 1 2, समझ में आया आपको? एक बार फिर से देखते हैं, जब हमें डाउन होना है तो क्या करना है, जब यहां से डाउन हो रहे हैं और यहां पे आ रहे हैं तो हमें हेड को यूज करना है, हेड और हैंड दोनों को हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे, हाथ ये कैसे यूज करेंगे, यहां पे रखेंगे, यहां से उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है, यहां से उठाएंगे इधर ले जाएंगे, जो स्टेप हम लोग यहां कर रहे थे ना इस वाले स्टेप में, लेकिन इसमें एल्बो बैंड हो रहा था, इसमें एल्बो बैंड नहीं होगा, सीधा आएगा,
इसमें सिर्फ आगे के आगे जो भी हमारा हाथ होगा, जैसे इस साइड करे हैं तो राइट हैंड आगे है, इस साइड करे हैं तो लेफ्ट हैंड आगे है, सिर्फ आगे वाला हैंड हमारा एल्बो से थोड़ा सा बेंड होगा, बहुत हल्का सा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 और 3 4 में हमें कुछ और करना है जो अभी मैं आपको पैर का स्टेप बताया। तो एक बार हम यहां से करते हैं फिर से, ये हमारा विसल का पार्ट है, इसके बाद टनक टनक, फिर 1 2 3 4, अब हाथ यहां रखेंगे 1 2 3 4, अब हाथ को यहां से घुमाना है, सिर पे रखना है, जैसे हम लोग वन हैंड से कर रहे थे ना, ये लॉकिंग में आता है, ये हमारा लॉकिंग में हिप हॉप में लॉकिंग का एक पार्ट है ये। तो यहां से हम लोग ऊपर आने के बाद दोनों हाथ से हाथ घुमाएंगे रिस्ट को और सिर पे रखेंगे, यहां तक तो ठीक चल रहा है, यहां से रिस्ट घुमा के सिर पे रखना है। तो यहां पे है हम 1 2 3 4, 1 2, वैसे आप देखेंगे 1 2 3 4 1 2। अब इसकी खूबसूरती, ये तो हमारा स्टेप हो गया, अब इसकी खूबसूरती पे हमें थोड़ा वर्क करना है। जब हम ये स्टेप कर रहे हैं 1 2 3 4, थोड़ा सा हेड आपको मूव करना है साइड में, ये बहुत सारे लोग करते होंगे, जो नहीं करते होंगे इसके लिए एक्सरसाइज होते हैं हेड्स के, जब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताना, मैं एक्सरसाइज वाला जो पार्ट बनाऊंगा उसमें इसके एक्सरसाइज को मेंशन करूंगा, ठीक है। तो हमें हेड को साइड साइड में थोड़ा सा मूव करना है हल्का हल्का, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। कैसे करेंगे देखिए, 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4, 5 6 5 6 में कोई बॉडी यूज नहीं होगा, सिर्फ हैंड यूज होगा। एक बार फिर से यहां तक देखते हैं हम लोग, ये हमारा सेमी सर्कल, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, उसको हमने पहले 1 और 2 में बताया था, लेकिन जब पैर स्टेप एक स्टेप पीछे लेंगे तो उसको भी एक काउंट हम ले सकते हैं, तो 1 2 3 4, और एक गुण में करेंगे इसको तो 1 2, स्लो बीट में करेंगे तो 1 और 2, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। और स्टेप इसका डबल में बढ़ाएंगे स्पीड तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी कर सकते हैं हम लोग, वो अपने बीट काउंटिंग पे डिपेंड करता है, आपको बीट्स काउंट करने आने चाहिए। एक बार फिर से हम यहां तक देखते हैं, यहां पे लेग ज्वाइन हुआ, ये हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहां तक समझ में आया आपको। एक बार मैं यहां पे आप यहां तक आपको सॉन्ग पे करके दिखाता हूं। जहां तक आपने समझा क्या स्टेप था हमारा, ये यहां पे राइट हैंड उठा, लेफ्ट हैंड, 1 2, यहां पे हम लोगों को नीचे घूमते हुए जाना है, 1 2 3 4, हाथ घुमाया 1 2 3 4। चूंकि बिगिनर्स के लिए स्टेप और ये सॉन्ग कोरियोग्राफी ज्यादा हो रही है, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं आपको बेसिस के साथ साथ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जिनके अंदर स्टेमिना नहीं होगा, बहुत म्यूजिक यूज नहीं कर पाएंगे हर छोटे म्यूजिक को, इसके लिए मैं बहुत हल्के स्टेप्स दे रहा हूं, जैसे 1 2 3 4। जब आपका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा तो आप 1 में 2 करेंगे, 1 काउंट में 2 स्टेप करेंगे, ठीक है। कैसे, यहां पे करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4, हल्का हल्का रुक के स्पीड कम करके पॉज करके हम लोग स्टेप कर रहे थे, थोड़ा लेवल आपका बढ़ता है, आप पहले से आप डांस करते हैं तो क्या करेंगे हम यहां करने के बाद, 1 2 3 4, समझ में आया आपको, तो 1 काउंट में 2 स्टेप हम लोग करेंगे। ये तो हो गया हमारा, ये मेन हमारा जो इस गाने का सिग्नेचर था, ये यही गाने का सिग्नेचर था, इसको हमने किया। इसके बाद एक म्यूजिक आ रहा है, उस म्यूजिक पे क्या करना है, यहां पे हमारा खत्म हुआ कहां पे, 1 2 3 4, इसके बाद हाथ हमारा ऊपर है, नीचे करेंगे हम लोग, सामने के साइड में है, ये हमारा लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को पीछे रखेंगे और राइट लेग को ऊपर करेंगे हल्के से जंप के साथ, 1 2, क्या करेंगे फिर से देखेंगे, 1 2,
5, 6, 7, start, 1, 2. अब आप देखेंगे चीज कि जब हमें पीछे जंप करना है तो हमारा दोनों हाथ सामने आएगा शोल्डर के, ये शोल्डर के सामने हमारा ये दोनों हाथ आएगा, मुट्ठी बन रहेगी एकदम सामने शोल्डर के, ठीक है। ये हमारा हाथ का पीछे का पार्ट है, ये हमारा आगे का पार्ट है, आगे का पार्ट पोर्शन अंदर के साइड रहेगा और पीछे का पोर्शन सामने के साइड रहेगा। 5, 6, 7, start, 1, 2 अगेन 5, 6, 7, start, 1, 2 अब एक बार और हम देखेंगे यहां तक, ये करने के बाद ये करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4 इसके बाद ये म्यूजिक है 1, 2 अब इसके बाद हमें क्या करना है आप ध्यान से देखिएगा, हाथ का स्टेप है, पैर हमारा यहीं पे रुका रहेगा और यहां है हम तो राइट हैंड को नीचे ले जाएंगे, फिर लेफ्ट को नीचे ले जाएंगे, राइट को ऊपर लेके जाएंगे, फिर राइट को नीचे लेके जाएंगे, लेफ्ट को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब 1, 2, 3, 1, 2, 3 फिर से देखेंगे 1, 2, 3 अगेन 1, 2, 3 यहां पे हम करें पीछे के साइड जंप किए 1, 2, 3 एक म्यूजिक आ रहा है डीजे का, वो आप ध्यान से सुनिएगा, पीछे जाकर के 1, 2, 3 यहां तक आज आज का हमारा जो भी क्लास चला है वो यहीं तक का रहेगा इसी म्यूजिक तक। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूं, 5, 6, 7, start, whistle, slide, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4 मैं हल्का ही कर रहा हूं आपको समय समझाने के लिए, पहले ही बता चुका हूं बीट बताने के लिए। इसके बाद जंप कर रहे हैं 1, 2, 1, 2, 3 यहां तक हमें आज करना है, इसके बाद एक लाइन या दो लाइन और बची हुई है सॉन्ग की, वो हम लोग कल देखेंगे और इसके बाद इस ये गाना खत्म है। एक मिनट का मुझे इसके कराना था, इसके बाद मैंने सोचा है कि सेमी क्लासिकल या वेस्टर्न का कोई दूसरा सॉन्ग मेरे माइंड में चल रहा है, मैं उसे कराऊंगा। अगर आपको भी कोई सजेशन देना हो सॉन्ग को, सर इस पे कराइए या इस पे सीखने का मन है मेरा तो मैं उस पर भी कराऊंगा, आप पहले ही मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। एक बार हम लोग करते हैं फिर से म्यूजिक पे, जहां तक आज से शुरू करें, ये खत्म हुआ, ज्वाइन 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4 यहां तक हुआ, इसके बाद 1, 2, 1, 2, 3 ठीक है। यहां तक आज हम लोग एक बार और म्यूजिक पे करते हैं, बस आज के लिए हमें इतना रखना है, इसके बाद जो भी होगा हमारा हमें कल देखना है, मैं कल ये गाना खत्म कर दूंगा, इसके बाद जो भी होगा दूसरा गाना, आपको अगर सजेशन देना है आप अभी से मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, मैं उस पर भी कोरियोग्राफी करके आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आज के लिए ये वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।